अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। एक प्यारी सी सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नया व्लॉग लेके। तो सुबह सुबह मैंने देखा कि ऊपर का व्यू माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आ रहा है और परिंदे भी काफ़ी शोर कर रहे थे, मेरे ख्याल में जो भूख लगी होगी। और सेकेंडली ये कि आज हमें कुछ एक तो टमाटर की और एक सब्ज़ मर्च की दो पनीरी लेके आए हैं, उसको हम शिफ्ट करेंगे बड़े वाले गमले में। और एक अनार का मैं पौधा लेके आया हूँ, उसको भी लगाते हैं बड़े वाले गमले में। तो चले आएँ और सेकेंडली आपको दिखाएं वो जो मैं उस दिन सूरजमुखी का प्लांट लेके आया था और उसका एक फूल खिला हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह अभी इसके और भी खिलेंगे। तो आएँ आपको सूरज, सबसे पहले वो दिखाता हूँ कि वो फूल माशाल्लाह कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, बस मेरा ख्याल है पहले इनको खोल के एक दाना पानी वाला डाल देते हैं, तो ये अपना खाना वाना खाते रहेंगे और हम अपना काम में लगे रहेंगे। तो आए आपको दिखाते हैं कि ये बाहर किस तरह स्पीड से निकलते हैं। खुश कहना सही है, इनको पानी डालूँ, थोड़ा पानी लगा डालते हैं। अब इनको दिखाओ, आज बच्चों वैसे आपको यह पता ही होगा कि जब भी प्लास्टिक के पॉट में आप कोई भी प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें नीचे से सुराख कर लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सुराख करता हूँ। तो व्यूअर्स, ये हमने तीन तरह की मिट्टी मिक्स की है। एक उसमें पत्तों की जो बनी हुई वो खाद है, सेकेंडली इसमें जो है वो मैं कुछ नहर से मिट्टी लेके आया वो वाली ऐड की है, और थर्ड जो है इसमें जो नॉर्मल वाली मिट्टी है वो हमने यूज़ की है। तो इस सारे को हम मिक्स कर लेंगे। Thank you.
तकरीबन ये हमारा अनार का पौधा इसमें लग गया है और इसको माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पेस भी मिल गई है। तो इसको ये देखें कुछ, इसको माशाल्लाह इसकी फ्लावरिंग भी हुई हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से बड़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी इसकी भी। तो आए आप सेकेंड वन को तैयार करते हैं। जी भी बस, तो ये हमने टमाटर की पनीरी जो है वो सारी इसमें लगा दी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अब ये खैर खरीय से अच्छे से हो जाए। तो ये है सब्ज़ मिर्च, ये सब्ज़ मिर्च के कुछ पौधे हैं, इसको लगाते हैं अब हम यहाँ पे, ज़्यादा नीचे हो गया है जी बस। तो ये है सब्ज़ मिर्च के प्लांट पौधे जो कि आगे गर्मियों में चलेंगे इंशाल्लाह। तो इनको भी लगाते हैं हम यहाँ पे। जी बस, तो इनको भी हम, क्योंकि इनको भी धूप चाहिए होती है, कोई भी फ्रूट वाला या फल वाला कोई भी पौधा होगा तो इनको भी हम जो है ना उसके साथ, जहाँ पे हमने वो अनार का पौधा लगाया उसके साथ ही इसको भी हम डिस्प्ले करते हैं। जी बस, तो हमारे ये प्लांट्स तो कंप्लीट हो गए हैं इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से इनकी ग्रोथ हो। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, वो जो हमारा मोती का पौधा हमने, जो हमारा जिसकी मैंने कटिंग की थी और हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि उसके कलियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊँ कि उनकी कलियों की भी क्या कंडीशन है। ये देखें, ये माशाल्लाह छोटी छोटी सी, माशाल्लाह कितनी सारी भरी हुई हैं सारी ये कलियाँ। और एक थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ, ज़रा अपना पूरा कैसा चल रहा है सारा। ये बेबी सन रोज़ के भी फूल, ये बेबी के भी फूल जो हैं वो रेड, छोटे छोटे से अगर आपको क्लोजअप करके दिखाएं अब्दुल्ला। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।